ताजमहल की कुछ दिलचस्प जानकारी देने आई हूँ आप लोगों को। हिंद दोस्तों, और स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग जर्नीज में। तो आज हम जा रहे हैं ताजमहल देखने और आपको कुछ दिलचस्प जानकारी दूंगा इसके बारे में। तो बने रहिए एंड तक, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, और पसंद आए तो लाइक करिए, और चैनल पे अगर नए हो तो अगर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो ताजमहल के बारे में कुछ रोचक जानकारी देने आ रही हैं अर्पिता मैम, तो उनका स्वागत करिए। और हाय एवरीवन, मेरा नाम अर्पिता है और मैं आज हर्षित जी के साथ ताजमहल की कुछ दिलचस्प जानकारी देने आई हूँ आप लोगों को। और इस अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर देना भूलें। तो शुरू करते हैं। ताजमहल भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के दक्षिणी किनारे पर एक हाथी सफेद संगमरमर का मकबरा है। इसे 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल के लिए बनाया था। इसमें शाहजहां जी का स्वयं भी एक मकबरा है। ये मकबरा 42 एकड़ परिसर का केंद्र बिंदु है, जिसमें एक मस्जिद और एक अतिथि गृह भी शामिल है, और यह एक औपचारिक दीवार द्वारा तीन तरफ से बंधे औपचारिक उद्यानों में स्थापित है। ताजमहल को 1983 में भारत में मुस्लिम कला का गहना और विश्व की विरासत की सार्वभौमिक रूप से प्रशंसित कृतियों में से एक है। उसी के कारण इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ये कई लोगों द्वारा मुगल वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है और भारत के समृद्ध इतिहास का प्रतीक माना जाता है। ताजमहल साल में 7-8 मिलियन दर्शकों को आकर्षित करता है, और 2007 में इसे दुनिया के 7 अजूबों का पहला विजेता घोषित किया गया था। ताज के दक्षिण में स्थित एक छोटा शहर जिसे ताजगंजी या मुमताजाबाद के नाम से जाना जाता है। शुरू में आगंतुकों और श्रमिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कारवां शेर बाजारों और बाजारों के साथ बनाया गया था। अनुशंसित यात्रा स्थलों की सूची में अक्सर ताजमहल होता है, जो आधुनिक दुनिया के 7 अजूबों की कई सूचियों में भी दिखाई देता है, जिसमें हाल ही में घोषित न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हाल ही में 100 मिलियन वोटों के साथ मतदान में भी शामिल है। मैदान शुक्रवार को छोड़कर शाम 6 बजे से 7 बजे तक खुला रहता है, जबकि 12 बजे से 2 बजे तक के बीच में मस्जिद में नमाज के लिए परिसर खुला होता है। परिसर पूर्णिमा के दिन रात को देखने के लिए और 2 दिन पहले और बाद में खुला है, शुक्रवार और रमजान के महीने को छोड़कर। विदेशी गणमान्य व्यक्ति अक्सर भारत की यात्राओं पर ताजमहल देखने आते हैं। उल्लेखनीय आंकड़े जो साइट पर हैं, उनमें बराक और मिशेल ओबामा, मार्क जकरबर्ग, व्लादिमीर पुतिन, राजकुमारी डायना, डोनाल्ड ट्रंप और जस्टिन भी जुड़े। ताजमहल के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए आप लोगों का धन्यवाद, और इस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर, और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम लोग ताजमहल के अंदर आ चुके हैं और कुछ ऐसा व्यू है। तो अगर आपको पता करना है कि हम यहाँ कैसे आए हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, तो आपको पूरा पता लग जाएगा कि कैसे कैसे आना है यहाँ पे। तो देखा जाए, आज मौसम बहुत ही साफ है, और ये कुछ ऐसा व्यू है ये गेट का। तो ये देख सकते हैं, पूरा अच्छा व्यू है इस गेट का। जैसा कि आप देख सकते हैं, गेट के बीच में ताजमहल काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है, और जैसे जैसे हम इसके पास जाएंगे और ये छोटा होता जाएगा। बहुत ही गजब की कारीगरी है गेट की। तो लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग ताजमहल पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गेट के बगल में खड़े हैं और अंदर ताजमहल है। चलिए वो भी एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या क्या है और कैसा बना है ताजमहल। जैसा कि आप देख सकते हैं, गेट से बहुत ही प्यारा लग रहा है ताजमहल, और इधर से कई लोग फोटोग्राफी भी करते हैं, बहुत ही अच्छी फोटो आती है। ये गेट की कारीगरी आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही बारीक की गई है, बहुत ही शानदार है। देखा जाए तो मुगलों के शासनों में की गई है ये कारीगरी। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये देख सकते हैं। और जो लोग आगरा से देख रहे हैं तो वो कमेंट में बताइए कि आगरा से आप हैं और क्या क्या घूमने वाली प्लेसेस हैं आगरा में, बता सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा व्यू है ताजमहल का, बहुत ही शानदार लग रहा है देखने में तो। और ये कुछ जूम करके दिखा रहा हूँ आपको मैं डिटेल्स इसकी, बहुत ही प्यारा है। दूर से तो छोटा लग रहा है, लेकिन पास जाके बहुत ही बड़ा हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वही गेट है जहाँ से हम लोग ताजमहल को देख रहे थे, ये वही एंट्री गेट है। और फिर हम लोग अंदर की ओर आ गए हैं,
ताजमहल की ओर और ये कुछ ऐसा व्यू है ताजमहल का। तो और अब हम लोग ताजमहल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आपको पूरा अच्छे से दिखाऊंगा मैं वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखें। ये जैसा कि आप देख सकते हैं गार्डन है इधर का, और ये ताजमहल की ओर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। तो आपका क्या कहना है कि कैसा है ताजमहल, आप कमेंट करके बताइए, और कब आप लोग नेक्स्ट ट्रिप प्लान कर रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइए। और ये कुछ ऐसा गार्डन बना है, बहुत ही शानदार है। ये वही गेट है और ये कुछ व्यू है। ये अब हम लोग आगे की ओर आ गए हैं और अब हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे। इसके ऊपर ये नीला नीला जो आप देख रहे हैं ये फाउंटेन हुआ करते हैं, और ये बहुत ही शानदार लगते हैं रात के समय तो और भी ज़्यादा, पर अलाउ नहीं रहता है रात में आना। तो अब हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं ताकि और अच्छा व्यू आपको दिखा सकूं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सीढ़ियां लकड़ियों की बनी हैं और पुरानी है काफ़ी, और ये कुछ ऐसा व्यू है। अब हम लोग ऊपर आ गए हैं, ये हम जहाँ से आए थे वो गेट है और नीचे फाउंटेन वाला बना है, और ये रहा ताजमहल जैसा कि आप देख सकते हैं। इधर से फ़ोटो बहुत गजब की आएगी। ये बीच में फाउंटेन आप देख सकते हैं, अभी फ़िलहाल नहीं चल रहा है तो ये रात को ही चलता है, और बहुत ही अच्छा दृश्य रहता है रात का भी, और पूर्णिमा रहे तो और भी गजब का चमकता है ताजमहल। ये कुछ ऐसा व्यू है पीछे का तो आप देख सकते हैं। यहाँ आप लोग कुछ देर सुस्ता भी सकते हैं ये गार्डनों में बैठ के, बहुत ही शानदार व्यू है जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरा 360 व्यू आपको दिखा रहे हैं। तो अगर पसंद आ रहा हो तो एक लाइक कर दीजिए ताजमहल के लिए, और कैसी कारीगरी है सब लिख के बताइए हमें। यहाँ बहुत फॉरेन टूरिस्ट आते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं विजिट करने, क्योंकि ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में गिना जाता है और ये हम लोग के लिए गर्व की बात है। अब आप देख सकते हैं ताजमहल काफ़ी बड़ा लग रहा है, अब हमें उसको पूरा देखने के लिए सर ऊपर करना पड़ रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं अब हम लोग फर्स्ट बेस पे चढ़े हैं ताजमहल के, और ये मस्जिद है, और इधर अंदर जाने के लिए आपको चप्पल उतार के जानी होगी तो तभी आप जा सकते हैं। और अब हम लोग को अंदर ताजमहल की ओर जाना है, हालांकि मस्जिद अभी बंद है, कोई रीज़न होगा। तो जिसने भी अभी म्यूज़ियम की टिकट नहीं ली है तो आप टिकट ले सकते हैं, यहाँ स्कैनर बना है जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं गर्दन को ऊपर करके देखना पड़ रहा है ताजमहल को, क्योंकि ये काफ़ी विशाल है, और ये इस साइड मस्जिद बनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये बीच से फ्रंट से व्यू है ताजमहल का, कुछ ऐसा व्यू है, आप लोग यहाँ से फ़ोटो ले सकते हैं, बहुत ही शानदार आएगी। अब आपको लेके चलते हैं यमुना नदी की ओर और दिखाते हैं कैसी है अब हमारी यमुना। जैसा कि आप देख सकते हैं पानी काफ़ी गंदा हो चुका है पहले से, स्तर काफ़ी कम हो गया है देखा जाए, देख सकते हैं आगरा फोर्ट है उधर। तो यही कुछ सीन था यमुना नदी का। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं ताजमहल की ओर, और म्यूज़ियम पे भी चलते हैं अंदर की ओर, और मौसम बहुत सुहाना है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये टनल हुआ करती थी पुराने ज़माने में, महाराजा लोग यहीं से दिल्ली या आगरा आते जाते थे, अब ये टनल बंद हो चुकी है। तो अब हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं म्यूज़ियम की ओर, जहां शाहजहाँ की कब्र है और उनकी बेगम की भी बताया जाता है। और ये देख सकते हैं कुछ व्यू यमुना नदी और ताजमहल का एक साथ में, ये आप देख सकते हैं काफ़ी ऊंचा है ताजमहल, हमें गर्दन ऊपर करनी पड़ रही है देखने के लिए। ये वही टनल है, सारी इंटरलॉक है सारी एक दूसरे में, एक उधर बनी थी एक यहाँ बनी है।
ये जगह जैसा कि आप देख सकते हैं फोटो खिंचाने के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ देख सकते हैं सब फोटो खिंचा रहे हैं और अब हम लोग धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहे हैं जहाँ गेट है म्यूज़ियम का। तो अब हम लोग ऊपर की ओर चढ़ेंगे। ये कुछ व्यू है, ये देख सकते हैं काफ़ी ऊंचे पे है ताजमहल। ये आप 360 व्यू देख सकते हैं इधर का, काफ़ी गजब का लग रहा है और फोटो भी बहुत ही बढ़िया आने वाली है यहाँ से तो। और ये सीन है कुछ ऐसा, ये बीच में फाउंटेन हुआ करते थे। यहाँ से आए हैं म्यूजियम की ओर जाएंगे अब। देखें मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग ऊपर आ गए हैं ताजमहल के ऊपर, यानी अब म्यूजियम की ओर जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हवा काफ़ी चल रही है और यही है कुछ सीन ताजमहल का। और अंदर भी अब जाएंगे। आप देख सकते हैं फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, पढ़ सकते हैं तो अंदर हम लोग आपको दिखा नहीं पाएंगे। अंदर म्यूजियम का सीन बहुत ही गजब का था, आप लोग आके उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये आप व्यू देख सकते हैं यमुना का, ये ताजमहल के ऊपर से दिखा रहे हैं आप देख सकते हैं। और ये सीन है, ये वही गेट है जहां से हम लोग एंट्री लिए थे ताजमहल की। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि और कौन कौन सी वीडियो चाहिए और किस पे मैं वीडियो बनाऊं। तो आपका कमेंट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और सब में शेयर करिए, अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, परिवार वालों में, सब में, एवरी वन शेयर विद देम। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब इट राइट नाउ बिकॉज मैनी व्यूज यू कैन सी ऑन माय यूट्यूब चैनल ओनली ट्रैवल रिलेटेड वीडियोज एंड ब्लॉग्स। सो दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो यही कुछ शानदार दृश्य है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया हो। चलिए क्या हुआ भारत ठीक है, काफी दिन हो गया। संगमरमर सफेद मगमरा ताजमहल को 1913 रूप से प्रशंसित है और भारत के समुद्र इतिहास शुरू में आंग त्रो कंट्रोल यात्रा स्थलों की सूची में एक है। जब 12 बजे से और मैदान पहले और रात में बाद में विदेशी का मैं ओबामा बराक बोल रही हूँ चले और नेशनल ओबामा वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सब लोगों को थैंक यू। लास्ट कहाँ आ गया? अच्छा सॉरी इतनी जानकारी से आपको कुछ समझ नहीं, ये ज्यादा हो गया एक